वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर एस ऑर्बिटल के बारे में। बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एस ऑर्बिटल की रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है वो हमेशा मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक है, मैक्सिमम साई से स्टार्ट होती है। तो इसी को भूलना नहीं है कभी भी। जैसे पी वालों की हमेशा मिनिमम से स्टार्ट होती है और एस वालों की हमेशा मैक्सिमम से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले रेडियल नोड निकालेंगे, ठीक है, एस वालों के लिए। तो उसका फॉर्मूला होता है एन माइनस एल माइनस वन, ठीक है। अच्छा, चलिए बात करते हैं सबसे पहले 1s के बारे में। जो 1s ऑर्बिटल होता है उसकी रेडियल नोड निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। यहाँ पे l क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या होता है? एंगुलर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो 1s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1, और s के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है 0 माइनस 1। तो इसकी रेडियल नोड आ जाएगी बच्चों 0। तो 2s के लिए हम अगर रेडियल नोड निकालेंगे तो इसके लिए आएगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है, और s के लिए एंगुलर की वैल्यू होती है 0 माइनस 1। तो रेडियल नोड यहाँ पे 1 आएगी। तो बच्चों, पहले मैं एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि नोड क्या होती है। नोड का मतलब होता है कि वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। तो अगर हमने कभी भी नोड निकालनी हो तो हमें एक ग्राफ लेना पड़ता है साई वर्सेस आर का। साई एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और आर क्या होता है? रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप 1s के लिए ग्राफ बनाओगे तो देखिए ये मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर साई से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉजिटिव साइड में होता है। और अगर आप देखोगे, अगर ये वाली ग्राफ की लाइन इस रेडियस की लाइन को कहीं पे भी टच कर जाए तो वहां पे क्या बनती है? नोड बनती है, ठीक है। तो यहां पे ये वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव साइड में ही है और ये इसको टच नहीं कर रही, और ये यहां से इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी रेडियस के, तो ये इन्फिनिटी भी जाके मिलेंगी, मतलब ये मिलेंगी ही नहीं। तो इसलिए यहां पे कोई भी नोड नहीं होती इन केस ऑफ 1s। 1s में कोई नोड नहीं होती। 2s के केस में बच्चों यहां पे कितनी नोड आई है? 1 नोड आई है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? देखो, मैक्सिमम से हम स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम से ये पहले पॉजिटिव साइड में रहेगा, फिर ये नेगेटिव साइड की तरफ चला जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, देखो इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? नोड, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो इस तरह से इसमें एक नोड होती है इन केस ऑफ 2s। अगर आप 3s की बात करोगे तो उसमें 2 नोड्स आएंगी। तो इस तरह से हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनानी है फॉर एस ऑर्बिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस।